हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएसके ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों आज मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूं। दोस्तों आज मेरे पास आई हुई है BS6 पल्सर NS125। इस गाड़ी में एक कोड आ रहा है जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही है, स्टार्टिंग लेट है, गाड़ी पहले सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती है, गाड़ी 3-4 बार सेल्फ मारने के बाद स्टार्ट होती है और गाड़ी वॉशिंग कराने के बाद भी स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा परेशान करती है और गाड़ी माइलेज भी ठीक नहीं दे रही है। सबसे मेन बात, गाड़ी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इस कोड की वजह से गाड़ी में चेक इंजन लाइट भी आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं चेक इंजन लाइट आने का क्या रीजन होता है। दोस्तों अगर आपके पास BS6 बाइक है तो इसके अंदर आपको चेक इंजन लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, इसे माल फंक्शन लाइट भी कहते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे तो इसके मीटर में आपको चेक इंजन लाइट शो होगी, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होने के बाद इस लाइट को बंद हो जाना चाहिए। अगर ये लाइट बंद नहीं होती तो उसका मतलब आपकी गाड़ी किसी सेंसर या कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स या आपकी गाड़ी अपडेट मांग रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में प्रॉब्लम है, इसे आपको चेक कराना चाहिए। ये चेक इंजन लाइट वार्निंग देती है आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसे आपको चेक कराना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास इस प्रॉब्लम की कोई भी बेसिक बाइक आती है जिसमें चेक इंजन लाइट आ रही है, पल्सर NS125, NS160, NS200, पल्सर 150, 180, कोई भी बेसिक बाइक आती है, तो उस बाइक को आपको कैसे पूरा कम्प्लीटली चेकआउट करना है, कोड की मदद से आपको फॉल्ट तक कैसे पहुंचना है, प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचना है, इस वीडियो में आपको पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे आपकी यूट्यूब पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी को चेकआउट करने के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर बोस टूल को कनेक्ट कर लेना है और इग्निशन स्विच को ऑन कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको व्हीकल डायग्नोस्टिक्स पर एंटर करना है, यहाँ से आपको अपनी गाड़ी का मैन्युफैक्चर ईयर सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट नहीं करना है। तो इस गाड़ी का मैन्युफैक्चर ईयर है 2021, आपको 2021 पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, कंप्यूटर स्पोर्ट्स, अगर आपकी गाड़ी 150cc या 150cc से ऊपर है तो आपको स्पोर्ट्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 150cc और 150cc के ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी मिल जाएंगी, और अगर आपकी गाड़ी 150cc से नीचे है तो आपको कम्यूटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 150cc से नीचे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो ये गाड़ी है पल्सर NS125, आपको पल्सर NS125 पर एंटर करना है। फिर आपको CU पर एंटर करना है, उसके बाद आपको रीड कोड्स पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको सारे कोड्स शो होंगे, आपकी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन से सेंसर में फॉल्ट है, सब कुछ शो होगा। तो गाइज आप देख सकते हो इस गाड़ी में ये कोड आ रहा है, P03514 ST कॉइल फॉर सेकेंडरी स्पार्क ओपन शॉर्ट टू बैटरी। कोड के हिसाब से हमें इस गाड़ी के ST कॉइल और इसके दोनों स्पार्क प्लग को चेक करना हो, कहीं ना कहीं वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन गाइज ST कॉइल और स्पार्क प्लग को चेकआउट करने से पहले सबसे पहले आपको एक बार जो भी कोड आ रहा था उसे इरेज करके देख लेना है। आपको ब्रेक आना है और इरेज कोड के ऑप्शन पर एंटर करना है और यस के ऑप्शन पर आकर कोड को इरेज करके देख लेना है। तो गाइज आप देख सकते हो कोड इरेज हो गया है। अब आपको गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करना है, कई बार ऐसा भी होता है कोड इरेज तो हो जाता है, लेकिन गाइस जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद फिर से वही कोड आ जाता है और दोबारा से चेक इंजन लाइट आ जाती है। तो आपको कोड को इरेज करके गाड़ी को स्टार्ट करके चेकआउट कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें दोबारा से चेक इंजन लाइट आ गई। अब आपको इसके अंदर दोबारा से बोस टूल को कनेक्ट करना है और आपको रीड कोड्स के ऑप्शन में जाकर ये चेकआउट करना है, इसमें वही पहले वाला कोड आया या कोई और कोड आ गया। तो गाइज आप देख सकते हो इसमें वही पहले वाला कोड आया है, इसका मतलब इस गाड़ी के ST कॉइल और स्पार्क प्लग में ही 100% प्रॉब्लम है। कोड इरेज करने के बाद भी दोबारा से वही कोड आ गया। अब आपको इस गाड़ी की ST कॉइल और इसके दोनों स्पार्क प्लग को ओपन करके कम्प्लीटली चेकआउट करना है उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। तो गाइज मैंने इस गाड़ी की दोनों ST कॉइल को ओपन किया, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी लूजिंग नहीं थी, बिल्कुल सही तरीके से फिट थी। फिर उसके बाद मैंने इसके दोनों स्पार्क प्लग ओपन किए, तो गाइज आप देख सकते हो इसके दोनों स्पार्क प्लग किस कंडीशन में है। दोस्तों ये दोनों स्पार्क प्लग खराब हो चुके हैं, गाड़ी करीब अब तक 10,238 किलोमीटर चल चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पार्क प्लग को आपको 8 से 10,000 किलोमीटर पर चेंज कर देना चाहिए। 10,000 से ऊपर चलने के बाद स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में स्टार्टिंग लेट, मिसिंग, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। और भी कुछ पार्ट्स हैं जो 10,000 किलोमीटर पर चेंज होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो गाइज मैंने इसके दोनों स्पार्क प्लग चेंज कर दिए और ST कॉइल को भी अच्छी तरीके से कम्प्लीटली फिट कर दिया है। स्पार्क प्लग और ST कॉइल को कम्प्लीटली फिट कर लेने के बाद अब आपको इसके अंदर बोस टूल को कनेक्ट करना है और रीड कोड्स के ऑप्शन में जाकर कोड को इरेज करना है। अब आपको गाड़ी को स्टार्ट करके चेकआउट करना है, चेक इंजन लाइट दोबारा से तो नहीं आ रही। तो गाइज आप देख सकते हो चेक इंजन लाइट बंद हो चुकी है। मैंने इस गाड़ी को कम्प्लीटली चेकआउट कर लिया है, मैंने इसे काफ़ी टाइम स्टार्ट रखा है, अब गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब गाड़ी पहले सेल्फ में स्टार्ट हो रही है और गाड़ी मिसिंग भी नहीं कर रही है, अब गाड़ी माइलेज भी ठीक देगी। तो गाइज आपको भी ऐसे ही अपनी BS6 बाइक को कम्प्लीटली चेकआउट करना है, अगर आपकी बाइक में चेक इंजन लाइट आ रही है या कोई कोड आ रहा है तो गाइज आपको भी ऐसे ही कोड की मदद से फॉल्ट तक पहुँचना है और प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करना है।
दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पल्सर NS125, NS160, NS200, पल्सर 150, 180, BS6 बाइक को अपडेट करना बताऊंगा, बस आपको थोड़ा वेट करना है। दोस्तों अगर आपको अपनी BS6 बाइक को अपडेट करना है तो मेरे इस चैनल पर आपको BS6 बाइक को अपडेट करने से रिलेटेड और सेंसर को चेकआउट करने से रिलेटेड काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे आपके यूट्यूब पर। गुड बाय।